हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर टीम रॉकेट खड़ी है, रॉकेट गो, टीम रॉकेट गो बोलते हैं। तो हम इससे बैटल करेंगे। सो गाइस, टीम रॉकेट गो का सीन ये है कि इनके पास पोकेमोन होते हैं काफ़ी हाई सीपी के, और जिनको हम हराएंगे। पर टीम रॉकेट गो से पहले हम लोग ये पोकेमोन पकड़ेंगे, इसको पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसको सिर्फ पकड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसका सीपी ज़्यादा है, और इसको हमने कैंड बेरीज खिलाई हैं, और ये थ्रो फेंका पर ये साइड हट गया, और ये कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस में फेंक दिया। इस बार पकड़ लेंगे इसको हम लोग। और पकड़ लिया। सो गाइस, ग्लीगर हम लोग पकड़ चुके हैं, और हमारा मैजिक कार्प तड़प रहा है साइड में, और अब हमारा बैटल होगा ग्रंट। ग्रंट नाम ही है ना इसका, टीम गो रॉकेट। तो हम लोग ये रैंडम पोकेमोन ले रहे हैं, और काफ़ी इसको मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। और ये गाइस, गलती से मेरे से रिकॉर्डिंग वाला बटन दब गया था, और उस रिकॉर्डिंग के बटन से ये वाला पोकेमोन गया। जाना भी था इसको, क्योंकि ये इतना इफेक्टिव नहीं था इसके अगेंस्ट ग्रोलिथ के। इस टाइम मुझे लग रहा है कि मैं हार सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक पोकेमोन ख़राब हो गया और इनकी सीपी बहुत ज़्यादा होती है। प्लस पॉइंट ये है कि ये लोग शील्ड यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ लीड शील्ड यूज़ करते हैं इनके, टीम रॉकेट के, टीम को रॉकेट के। बाकी ये लोग शील्ड यूज़ नहीं करते हैं, तो हम इनको हरा सकते हैं। और ये काफ़ी तेज बूस्ट हो रहा है, चार्ज हो रहा है। एक्सीलेंट तक जाने की कोशिश करेंगे। ग्रेट हो गया है, और ये एक्सीलेंट, एक और चाहिए इसको एक्सीलेंट। इसके बाद इसको तो हम डाउन कर ही देंगे। चलिए, इस बार ये गया। तो अगर हमने इनको हरा दिया तो हमें मिलेगा इनका एक पोकेमोन पकड़ने का मौका। इन तीन में से हम एक पकड़ेंगे। और ये गया, नहीं गया। चलिए, हमारे पास एक और पोकेमोन है, और दो शील्ड भी है अपने पास, तो टेंशन की इतनी बात नहीं है। इस बार देखते हैं, जैसे कि हम बचपन में देखते थे कार्टून, तो उसमें भी एक टीम रॉकेट हुआ करती थी, तो वो भी हमें ऐसे ही मिला करती थी चोरी छपारी करते हुए। ये लोग भी चोरी ही कर रहे थे यहाँ पर, पॉकी स्टॉप के सामान चुराते हैं ये लोग। पर हमने इनको हरा दिया है, तो मैं 17 में जीत चुका हूँ आज तक इन लोगों से। और हमें मिली हैं 5 पॉकी बॉल्स, और ग्रोलिथ को पकड़ने का मौका। इसके आप सीबी देख रहे हैं 266, पर जब इसको हम प्यूरीफाई करेंगे, अभी ये अनप्यूरीफाइड है। इन लोगों ने सारे पोकेमोन को ऐसे ही कर रखा है, अनप्यूरीफाइड कर रखा है। और ये एक मिशन होता है कि हमें इनसे पोकेमोन को रेस्क्यू करना है। तो इस बार हम पकड़ लेंगे शायद, जहाँ तक मुझे याद है पकड़ लिया। तो हमारे पास ग्रोलित आ चुका है, जिसकी अभी सीपी है 266, और इसको हम प्यूरीफाई करेंगे 3000 स्टारडस्ट से। चलिए देखते हैं क्या क्या मिशन है। देखिए, हमें 5 शेडो पोकेमोन्स को पकड़ना है और उनको प्यूरीफाई करना है, और इसको हम प्यूरीफाई कर रहे हैं अब। यस,
और ये देखिए, ये शेडो पोकेमोन को हम प्यूरीफाई करेंगे, इसकी सीपी थी 266 शायद, और अब देखिए कितना चेंज आएगा इसमें, 866 हो गई है, 600 सीपी सीधे बढ़ गई है। ये भी एक अच्छा पोकेमोन है और इसकी है सीपी 1200। इसको भी पकड़ेंगे, इसको बैरिस कराएंगे, ये ईवी का रूप है एक, और हमें ज़रूरत भी है इसकी कैंडीज की। हाँ, इसको हमने बेरीज खिलाई है, पाइनएप बेरीज, जिसकी वजह से हमें डबल कैंडीज मिलेंगी। सो नाइस आया है, इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग है। बेरीज खिला दी और अब हम फेंकेंगे पोकेमोन बॉल, ग्रेट बॉल फेंकी हमने, देखें क्या होता है, और फिर भाग गया। पाइनएप्पल बेरी फिर से मिस, काफी स्मार्ट है यार ये, काफी बेरीज खा गया मेरी। ग्रेट आ गया, इस बार आ जाना चाहिए। यार फिर से डालते हैं, हमारे पास एक गोल्डन रस बेरीज है जिसको हम डालेंगे तो एक बार में पकड़ सकते हैं, पर वो बेरीज मैं लेजेंडरी पॉकेट के रखता हूँ, सिर्फ लेजेंडरी पोकेमोन मिलते हैं तभी मैं उनको यूज़ करता हूँ। ग्रेट आ गया, सबसे अच्छी बात यह कि भाग नहीं रहा, यदि इतने अटेम्प्ट में तो भाग जाता है पोकेमोन। और इसको पकड़ लिया है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।